Hey guys, it's Sonu, go back to another video. आज भी खेलने वाली सॉरी आज भी कर रहे एक और एपिसोड ट्यूटोरियल्स विथ मी का, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर इन माइनक्राफ्ट। तो ये एपिसोड बहुत दिनों के बाद आ रहा है ट्यूटोरियल्स विथ मी का, क्योंकि ट्यूटोरियल्स विथ मी के सेकंड एपिसोड के बाद और आया ही नहीं, बट मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई नो वंडरिंग ट्यूटोरियल भी आ गया, तो चलो करते हैं। तो गाइस, माइनक्राफ्ट 1.16 के अपडेट से कुछ नए नए ओर्स भी आए हैं, एंड वो ओर्स बेटा में आ चुके थे, बट ये बेटा वर्शन नहीं है, ये 1.16 वर्शन ही है। तो मैं आप लोगों को इस वर्शन में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से नए नए ओर आए और पुराने जो ओर्स है वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो ओर है हमारा ओवरवर्ल्ड में मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ओर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो जो ओर्स हैं वो मिनरल रिसोर्स की तरह काम करते हैं माइनक्राफ्ट में, वो अंदर छुपे रहते हैं मिट्टी के अंदर, जिनको हमें खोद कर निकालना पड़ता है, एंड वो ओवरवर्ल्ड में भी मिल जाते हैं और नेदर में भी मिलते हैं, बट एंड में कोई नहीं है, कोई और नहीं है, मतलब एंड जो बायोम है वहाँ पर कोई और नहीं मिलता हमें, वहाँ पर सिर्फ चीज़ें ही मिलती हैं, बहुत ही स्पेशल स्पेशल चीज़ें, उस बारे में भी होने वाला है टिप्स, ओके। बट ओवरवर्ल्ड और नेदर में ओर्स है। तो सबसे पहले मैं ओवरवर्ल्ड के ओर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ओर्स ओवरवर्ल्ड में ही रहते हैं। तो सबसे पहला जो ओर है वो है एक कोल ओर। कोल ओर, अगर हम इस कोल ओर को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कोल, यस कोल। तो कोल किस किस काम में आता है, फर्नेस में एलॉयज बनाने के लिए एंड टॉर्चेस बनाने के लिए, सबको आने में। बट कोल को हम किस किस पिकैक्स से तोड़ सकते हैं। कोल को हम हज़ार तरीके के पिकैक्स से तोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर है वुडन पिकैक्स, स्टोन पिकैक्स, आयरन पिकैक्स, गोल्डन पिकैक्स, डायमंड पिकैक्स और नेदरराइट पिकैक्स, जो कि नया पिकैक्स है, उससे हम हर चीज़ से कोल तोड़ सकते हैं, एंड हमें कोल ही मिलेगा। जो नेक्स्ट ओर है माइनक्राफ्ट में वो है एक आयरन ओर। आयरन ओर को हम वुडन पिकैक्स से तोड़ नहीं सकते, और स्टोन पिकैक्स से तोड़ सकते हैं, आयरन पिकैक्स से भी तोड़ सकते हैं, बट गोल्ड पिकैक्स से नहीं तोड़ सकते, और डायमंड पिकैक्स और नेदरराइट पिकैक्स से भी तोड़ सकते हैं हम आयरन ओर को। अब आयरन ओर को तोड़ने पर हमें आयरन ओर का ब्लॉक ही मिलता है, जिसको हमें फर्नेस में रखकर कोल से इसको स्मेल्ट करना पड़ता है, एंड हमें मिलता है आयरन इंगोट, जो कि बहुत काम का है। और अभी आगे बढ़ते हैं, जो है गोल्ड इंगोट, सॉरी गोल्ड ओर। गोल्ड ओर माइनक्राफ्ट 1.16 में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे काम आ चुके हैं गोल्ड ओर के। तो गोल्ड ओर को माइन करने के लिए हम स्टोन पिकैक्स यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हम आयरन पिकैक्स यूज़ कर सकते हैं, डायमंड पिकैक्स यूज़ कर सकते हैं और नेदरराइट पिकैक्स यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड ओर को तोड़ने के लिए हम गोल्ड पिकैक्स भी यूज़ नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट ओर है वो है रेड स्टोन ओर। रेड स्टोन से हमें रेड स्टोन मिलता है, इसे हमें फर्नेस पर जाके कुछ करना नहीं पड़ता, इसके ऊपर अगर आप जंप मारोगे तो ये आपको थोड़ा सा रोशनी देगा। इसको भी आप आयरन पिकैक्स, डायमंड पिकैक्स और नेदरराइट पिकैक्स, इन तीनों से ही तोड़ सकते हो, एंड रेड स्टोन बहुत ही ज़्यादा काम का है, इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। रेड स्टोन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, ऐसे कुछ चीज़ें जो आप बना नहीं सकते ऐसे ही रेड स्टोन के रेड करेंट सिग्नल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो जो नेक्स्ट ओर है वो है लैपिस लजूली ओर। इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको लैपिस लजूली मिलेगा, बट रेड स्टोन और लैपिस लजूली में एक खास बात यह है कि ये डबल क्वांटिटी में मिलता है, मतलब डबल मतलब वन, एक तोड़ोगे तो दो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसका कुछ अलग ही है। लैपिस लजूली अगर आप रेड स्टोन को तोड़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब इन दोनों को तोड़ने से ही ज़्यादा ज़्यादा मिलता है, एक नहीं मिलता, जैसे कि पिछले वाले कोल में होता है और बाकी दोनों में भी होता है, तो बाद में आने वाले। और लैपिस लजूली की ओर को तोड़ने के लिए भी हमें चाहिए होता है आयरन पिकैक्स, डायमंड पिकैक्स और नेदरराइट पिकैक्स, इन तीनों से ही हम सिर्फ और सिर्फ लैपिस लजूली के ओर को तोड़ सकते हैं। इसके बाद जो ओर आता है वो है एक डायमंड ओर, जो कि थोड़ा सा रेयर होता है माइनक्राफ्ट में ढूंढना, बट वो अंदर की तरफ छुपा रहता है, और इसको ढूंढने का अच्छा जगह होता है 11th लेवल, और इसको हम तोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं आयरन पिकैक्स, डायमंड पिकैक्स और नेदरराइट पिकैक्स, एंड अगर हम इनको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एक डायमंड। अब बढ़ते हैं द लास्ट ओर में, और ये माइनक्राफ्ट के पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयरेस्ट ओर है एमरल्ड ओर। अभी आप लोगों को बहुत लोग बोलेंगे कि एंशियंट डिब्रीज तो हो सकता है बहुत ज़्यादा रेयर, बट मैं बता दूँ एमरल्ड ओर सबसे ज़्यादा रेयर होता है।
कहीं से भी पूछ लो, रेयर एमराल्ड ओर ही सबसे ज़्यादा रेयर होते हैं, क्योंकि माइनक्राफ्ट खुद ही बोलता है अपने लॉगिन सेक्शन में। और एमराल्ड ओर को तोड़ने के लिए आपको आयरन पिकैक्स यूज़ कर सकते हो, डायमंड पिकैक्स यूज़ कर सकते हो और नेदरराइट पिकैक्स भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि आयरन पिकैक्स के बहुत ही ज़्यादा यूजेज है, बट आयरन पिकैक्स गया किधर? ओ भाई कहाँ गया पता नहीं पता नहीं कहाँ गायब हो गया आयरन पिकैक्स। तो आयरन पिकैक्स बहुत सारे यूजेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। आयरन पिकैक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसी तरीके से सारे के सारे ओर्स आपने देख लिए, यानी दरवाज़ा की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ये सारे के सारे ओर्स हमें ओवरऑल में मिलते हैं, मतलब ओवरऑल के नीचे जो माइनिंग करने पर आपको मिलेंगे ये सारे ओर्स। अब ये जो पिकैक्स हैं इनमें से एफिशिएंसी और ये सब तो एन्चेंटमेंट्स है, बट पिकैक्स में सबसे ज़्यादा जो एन्चेंटमेंट इन ओर्स के बारे में लगता है वो वहाँ पर दो ओर्स में दो एन्चेंटमेंट्स है। तो वो एन्चेंटमेंट आप लोग दिखाता हूँ, बट इसको सबसे पहले मानना पड़ेगा। बहुत सही, ओके। तो मैं इस डायमंड पिकैक्स ले सकता हूँ? नहीं, आई न्यू इट। तो जो ओर है, एक मिनट, मुझे एक पिकैक्स तो चाहिए ही होगा ना, रेडी करके नहीं रखता कुछ भी। अबे क्या हो रहा है, ये कुछ भी बकवास करे जा रहे हो यार। रहने दो, मैं एक डायमंड पिकैक्स ले ही लेता हूँ। मिल गया ये डायमंड पिकैक्स। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो एन्चेंटमेंट्स है वो है एक सिल्क टच। सिल्क टच एक एन्चेंटमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम का है। इससे आप ओर को डायरेक्टली तोड़ सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसको एन्चेंटमेंट कर दूँ? नहीं, पहले सिल्क टच नहीं, मैं बाद में बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले दूसरा जो एन्चेंटमेंट बुक है वो है फॉर्चून। फॉर्चून के तीन लेवल्स होते हैं, फॉर्चून 1, फॉर्चून 2 और फॉर्चून 3। तो फॉर्चून क्या कह रहा हूँ मैं, तो फॉर्चून 3 सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे फॉर्चून से जो ओर है उसकी क्वालिटी डबल हो जाती है, मतलब कि क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वालिटी क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अगर लैपिस लाजुली के तोड़ते हैं हम, तो हमें ज़्यादा मिलने वाला है। भैया क्या हो रहा है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ठीक हो गया भाई, मैं रेडी करके रखता नहीं हूँ कुछ, सारे के सारे पिकैक्सेस वेस्ट हो गए। तो अगर हम लैपिस लाजुली के इस पिकैक्स क्या करता हूँ मैं यार, अभी अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो हमें मिल रहे लैपिस लाजुली 4, ठीक है। अब अगर मैं इसको फॉर्च्यून से खोलता हूँ, एक मिनट कुछ ज़्यादा मत बोलना जी यार, मैंने जो सोचा था वही हो गया। क्या कर लिया तू, चल ओके। तो मैं लेवल्स बढ़ा देता हूँ, 6 लिए। चलो तो हम फॉर्च्यून 3 लगाते हैं एंड ये पिकैक्स में हो गया फॉर्च्यून 3। अब अगर हम लैपिस लाजुली के ओर को तोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि कितने मिलते हैं। 4 थे एंड हमें मिले 16। यू कैन सी द डिफरेंस, 16 मिल गए। वाह भाई क्या सही में, मैंने भी इतना नहीं सोचा था। तो रेडस्टोन से तो बेसिकली बहुत ही कम मिलता है, अगर इससे हम तोड़ते हैं तो हमें टोटली 8 मिल जाते हैं। एंड फॉर्च्यून से अगर हम ओर्स तोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट कोल। अब ये फॉर्च्यून लक पर डिपेंड करता है, ये बात मैं बता दूँ, क्योंकि फॉर्च्यून 3 है इसलिए इतना अच्छा काम कर रहा है, एक ही जगह 3 मिल गया। अब सेम टू सेम डायमंड ओर में, डायमंड पर बेसिकली हर लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि डायमंड को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें 1 डायमंड मिलता है, बट अगर हम फॉर्च्यून से तोड़ते हैं तो हमें मिल गया 4 डायमंड। एंड डायमंड का क्वांटिटी आप लोगों को मालूम ही है कितना ज़्यादा रेयर है। एंड इतनी रेयर चीज़ों में अगर ऐसा होना लगे तो बहुत ही सही होगा। और अगर हम एमराल्ड ओर को तोड़ते हैं तो हमें 4 एमराल्ड्स मिल गए, देखा आप लोगों ने। अभी ये जो मैं तो सबके सब तोड़ ही दिए हैं। अच्छा तो फॉर्च्यून तो है, इसके साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सिल्क टच। अगर हम सिल्क टच को लगाते हैं इसके अंदर, सिल्क टच से क्या होगा वो भी मैं दिखा नहीं सकता। अच्छा इस पिकैक्स पे नहीं काम करेगा ना, तो सिल्क टच के लिए हमें एक अलग से पिकैक्स चाहिए होगा। इधर से ले लेता हूँ, मेरे पास होंगे
डायमंड का पिकैक्स दे दो, यस मिल गया। ओके अभी मैं इसको लगा सकता हूँ, सिल्क टच, चार बॉटल खोलनी पड़ेगी। ओके हो गया, सिल्क टच लगा लेते हैं इसमें। ओके तो अभी मैं ओट्स लगा लेता हूँ यहाँ पर। पहले तो मैंने ओट्स फिर से लगा लिए एंड आप लोग देख सकते हो ये है मेरा सिल्क टच वन का पिकैक्स। अगर हम सिल्क टच वन से को तोड़ते हैं तो ये तो गायब ही हो गया। सॉरी, अभी अगर हम सिल्क टच से इसको तोड़ते हैं तो हमें मिलेगा एक एमरल्ड का ओर। यस, एमरल्ड का ओर और डायमंड को भी अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा डायमंड का ओर। लैपिस लजुली को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें लैपिस लजुली का ओर मिलेगा। रेडस्टोन को अगर हम मिलेंगे तो हमें रेडस्टोन का ओर मिलेगा। इन दोनों का तो ओर ही मिलता है। और कोल को भी अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कोल का ही ओर मिलेगा। अब इससे का फ़ायदा क्या है? मान लो आप माइन पे आए हो एंड आपने सिल्क टच का पिकैक्स लिया है बट फॉर्च्यून का पिकैक्स लाना भूल गए, तो आप डायमंड के ओर को सिल्क टच से तोड़ोगे एंड घर ले जाकर आप डायमंड को फिर से प्लेस करोगे एंड जो फॉर्च्यून का पिकैक्स होगा उससे आप फिर से तोड़ोगे एंड आपको चार डायमंड्स मिलेंगे। एंड ऐसे ही आप हर चीज़ पर कर सकते हो। बट अगर आपके पास फॉर्च्यून नहीं है, जैसे कि ये देखो आप लोगों ने दिखाया, मैंने पिछली बार एमएल तोड़ा तो हमें चार मिला था, इस बार तीन मिला है, किस्मत का खेल। बट अगर आपके पास नहीं है, क्या नहीं है, ये फॉर्च्यून, तो आप इसको सिर्फ पिकैक्स से भी तोड़ सकते हो बट आप इसको इधर भी डाल सकते हो कोल ओर। अगर आप इसको कोल ओर में डालते हो मतलब ब्लास्ट फर्नेस में डालोगे तो भी होगा, तो आपको मिलेगा कोल। कोल ओर डालोगे तो कोल ओर मिलेगा। रेडस्टोन का ओर डालोगे तो आपको रेडस्टोन मिलेगा। एंड अगर आप लैपिस लजुली का ओर डालोगे तो लैपिस लजुली मिलेगा। इजी सी बात है ना। अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं नेदर के ओर के बारे में। नेदर में सिर्फ तीन ही ओर्स है जो मैं फर्स्ट से दिखा, सबसे रेयरेस्ट वाला नेदर का रेयरेस्ट जो है एंशियंट डिब्रीज। एंशियंट डिब्रीज को मैं सिल्क टच से, अब फॉर्च्यून से तोड़ो या सिल्क टच से, दोनों से सेम ही काम होने वाला है स्लोली, क्योंकि डायमंड पिकैक्स बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है। इसके लिए एफिशिएंसी आप देख सकते हो एंशियंट डिब्रीज का हमें और मिल जाता है। अब इस एंशियंट डिब्रीज से हम क्या करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये है नेदर का गोल्ड ओर। अब इसको अगर आप फॉर्च्यून से तोड़ोगे तो आपको मिलेगा गोल्ड नगेट्स, ठीक है। अब इसको आप ऐसे पिकैक्स से तोड़ सकते हो, सबके सब पिकैक्स ही तोड़ सकते हो, और इसका मैंने बताया नहीं, डायमंड और नेदरराइट पिकैक्स से ही तोड़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ। इसको अगर आप फॉर्च्यून से तोड़ोगे तो आपको मिलेंगे नगेट्स जो कि एक इंगोट से ज़्यादा है। बट अगर आप इसे सिल्क टच से तोड़ोगे एंड इसको अगर आप फर्नेस में डालोगे तो आपको मिलेंगे एक इंगोट, गोल्ड इंगोट। जबकि अगर आप इसे फॉर्च्यून से तोड़ते हो तो आपको मिलने वाला है 20 नगेट्स, यानी कि इससे आप बना सकते हो दो इंगोट्स। तो अगर आप फॉर्च्यून से तोड़ते हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ना, फॉर्च्यून से तोड़ना ही अच्छी बात है। ये देखो आप बना सकते हो दो इंगोट्स, वाओ, मुझे भी नहीं पता था वैसे तो। नेक्स्ट है हमारा नेदर क्वार्ट्ज ओर। इससे आप ब्लॉक्स बना सकते हो एंड इसको आप किसी भी पिकैक्स से तोड़ सकते हो, हर एक पिकैक्स से तोड़ सकते हो बेसिकली। एंड इससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। और अगर आप इसे फॉर्च्यून से तोड़ोगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, एक से ज़्यादा मिला है, बट इससे लेवल्स भी मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा। देखा मेरा दो हो गया। अब ये जो नेदरराइट इंगोट है इसे बनाने का एक रेसिपी होता है। आप ये जो एंशियंट डिब्रीज है इसको अगर आप मेल्ट करोगे, इसको आप सबसे पहले, इससे आप तलवार बना नहीं सकते, इसको सबसे पहले आपको मेल्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको सब चीज़ें नहीं मिलने वाली। ऐसे मैं बता दूँ आपको, इससे मिलने वाला है नेदरराइट स्क्रैप। अभी नेदरराइट स्क्रैप से क्या आप तलवार बना सकते हो? अजी नहीं, नेदरराइट स्क्रैप से आप तलवार नहीं बना सकते। नेदरराइट स्क्रैप से तलवार बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ये नेदरराइट स्क्रैप और गोल्ड चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अब इसको आपको क्राफ्टिंग टेबल पे जाना पड़ेगा एंड आप अगर नेदरराइट इंगोट बनाना चाहते हो तो आपको चार नेदरराइट स्क्रैप ऐसे रखना पड़ेगा और चार गोल्ड इंगोट्स ऐसे, और आपको मिल जाएंगे नेदरराइट इंगोट। और एक नेदरराइट इंगोट ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अब ये जो है इसको बोलते हैं स्मिथिंग टेबल। स्मिथिंग टेबल बनाना बहुत ही ईजी है। क्राफ्टिंग टेबल आपको क्राफ्टिंग टेबल पे जैसे रखते हो वैसा, और दो आयरन इंगोट्स रखना पड़ेगा जिससे आपको मिल जाएगा स्मिथिंग टेबल। इसका कोई यूज़ नहीं था इतने दिनों तक विलेजर्स को काम देने के अलावा, बट अभी इसका अपग्रेड गियर आ चुका है
इससे आप अपग्रेड कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो ये मुझे मालूम नहीं, वैसे तो बाद में एक वीडियो बनाऊंगा शायद। अब मैं सिल्क टच को इधर रखता हूँ एंड इसके साथ अगर मैं नेदरराइट इंगोट डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा नेदरराइट पिकैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बट क्या इससे आर्मोर भी, और ये जो बट इससे क्या आयरन का पिकैक्स रखेंगे और अगर नेदरराइट का इंगोट रखेंगे तो भी हो जाएगा? अजी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डायमंड के चीज़ों पे ही काम करता है। अगर आप डायमंड का आर्मर रखोगे और नेदरराइट का इंगोट रखोगे तो ही काम करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं मैंने इस वीडियो में, बट अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी न्यूज़ मिला होगा इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट करो। तुम कोई भी गेम प्ले देखना चाहते हो तो न्यू यूज़र्स के लिए बता दो, मैं इसमें बहुत सारे गेम्स भी खेलता हूँ इस चैनल पर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं इस चैनल पर, और कुछ तो करता नहीं वैसे बट बोलना अच्छा है। और इसे चीज़ें देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बेल आइकन दबाने से तुम नोटिफाई हो जाओगे कि मैं जब एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब करने से मैं नोटिफाई हो जाऊँगा कि मुझे एक नया वीडियो बनाना है। तो ट्यूटोरियल्स विद मी के भी नए वीडियोज़ आएंगे, ज़रूर आएंगे एंड आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में माइनक्राफ्ट 1.16 अपडेट के बारे में आप लोगों से बात कर सकूँ। ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ एंड मैं करूँगा शायद, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो बहुत जल्दी से एकदम सही तरीके से और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो एंड इट्स थगला गेमर साइनिंग आउट।